जब देवीलाल बोले मेरे राज में क्या बंसीलाल का छोरा चेयरमैन बनेगा, मुख्यमंत्री हरियाणा के रवि चौटाला को बनाया था अपना निजी सुरक्षा अधिकारी। चौधरी देवीलाल धून के पक्के थे, उनका अपने सभी पोतों के साथ बड़ा लगाव था। 1987 में चौधरी देवीलाल जब मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने बनारसी दास गुप्ता को मुख्यमंत्री बनाया। इसके अलावा उन्होंने अपने मंझोले बेटे चौधरी रंजीत सिंह को कृषि मंत्री बनाया। यही नहीं, अपने छोटे बेटे प्रताप चौटाला को लघु उद्योग और निर्यात निगम का चेयरमैन बना दिया। अपने भतीजे डॉक्टर कमलवीर सिंह को खुद का ओएसडी लगाया। 20 साल के अपने पोते रवि चौटाला को उन्होंने अपना पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर लगा दिया। अपने कुछ अन्य रिश्तेदारों को भी बोर्ड व निगमों का चेयरमैन बनाया। इस पर चौधरी बंसीलाल और चौधरी बदनलाल की ओर से देवीलाल पर सवाल उठाए गए। तब देवीलाल ने चंडीगढ़ में मीडिया से बातचीत में कहा, अब मेरे राज में बंसीलाल का छोरा चेयरमैन थोड़ी बनेगा। देवीलाल की टिप्पणी पर बदनलाल ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा था कि देवीलाल पारिवारिक सरकार चला रही है। चौधरी देवीलाल ने उस दौरान मुख्यमंत्री के रूप में किसानी और बुजुर्गों के लिए बाकमल फैसले लिए। देवीलाल ने सत्ता में अपने आने पर बुजुर्गों को 100 रुपए पेंशन देने का ऐतिहासिक कदम उठाया। इसके साथ ही देवीलाल ने किसानों का कर्जा माफ कर दिया था, ट्रैक्टर पर भी टैक्स हटा दिया और बहुत सी लोक नवाब योजनाएं चौधरी देवीलाल सरकार लेकर आए, जिन्हें बाद में पूरे देश में लागू किया गया। दरअसल चौधरी देवीलाल ने अपनी सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी अपने पोते रवि चौटाला को दी। रवि चौटाला को चंडीगढ़ सचिवालय में 4th मंजिल पर मुख्य सचिव के दफ्तर के साथ ही कार्यालय अलर्ट किया गया था। रवि चौटाला के पास एक कार्बाइन, एक रिवॉल्वर वह एक पिस्टल थी। वे सिविल ड्रेस में रहते थे, उस समय आतंकवाद का दौर था, ऐसे में सुरक्षा बड़ा गंभीर मामला था। इस ड्यूटी को रवि ने 5 साल तक बड़ी गंभीरता से निभाया। उस समय रवि महज 20 वर्ष के थे। वे चौधरी देवीलाल के साथ काफिले में चलते थे। जहां भी देवीलाल ने जाना होता था वहां एडवांस में पुलिस फोर्स भेजने की जिम्मेवारी रवि की थी। खास बात इसमें यह है कि रवि चौटाला ही मुख्यमंत्री निवास पर बने रूम में अपने दादा को कोट पहनाने के अलावा पगड़ी भी पहनाते थे। उन्होंने नियमित रूप से दवाई देना व उनकी देखभाल का काम भी देखते थे। रवि चौटाला बताते हैं कि उनके दादा का स्वभाव बड़ा नरम था और कई बार वे जिद भी ठान लेते थे। एक बार उन्होंने सूखना लेक पर जाने की बात कही। अफसरों ने उग्रवाद के दौर का हवाला देते हुए कहा कि यह सब सुरक्षा के लिहाज से ठीक नहीं है। देवीलाल नहीं माने। इसके बाद रवि चौटाला ने उन्हें बताया कि वहां पर 200 पुलिस जवानों की फोर्स लगानी पड़ेगी। तब देवीलाल मान गए। देवीलाल अपने पोते के कहने पर अक्सर परवाणु टिम्बर ट्रेन पर भी चले जाते थे और मोरनी हिल पर तो अक्सर ही जाया करते थे।